हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी कैस्टर में डाई इलेक्ट्रिक डालना। तो सबसे पहले बताओ कि हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डालते क्यों हैं, या बुक में दिया हुआ है यूज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्यों डालते हैं, क्या यूज है, और उसके डालने से कैपेसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, फोर्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखो टू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला टॉपिक, खासकर ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक। ध्यान, थोड़ा सा हम रिफ्रेश करा दें, पिछले क्लास में पढ़ाए थे तीन चार लेक्चर पहले। देखो, हम बताए थे कि यह प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ठीक। और ये मेरा कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर, ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो। यह प्लस प्लस था, बोलो यह क्या था, माइनस माइनस था। तो क्या फॉर्मूला आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ईपी कहो या ई नॉट कहो, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका फॉर्मूला ये आया था, ठीक। अच्छा, हम बताए थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम कोई स्लैब डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लैब डाल दो, या यूं कहो कि यहां पर एक प्लस था, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस था, इसमें हमने स्लैब डाल दिया, क्या डाल दिया, स्लैब डाल दिया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ध्यान देना, लिखना मत करो, ध्यान देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मतलब क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक के बीच में, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ध्यान देना, कितना होगा, हम बताए थे एक्सटर्नल फील्ड बाय के टाइम्स, याद आया, या यू कहो ई नॉट बाय सिग्मा, ई नॉट बाय के, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं, हम बताए थे कि कोई कैपेसिटर है जिस पर चार्ज प्लस की हुए माइनस की हुए, इनके वजह से ये डाइलेक्ट्रिक पर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पर होगा प्लस चार्ज, जो पढ़ा चुके हैं उसी को रिवर्स कर रहे हैं, अभी नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा चुके रिवीजन कर रहे हैं। यहां प्लस क्यू हो गया या माइनस क्यू हो गया, इस पर जो चार्ज आएगा वो इंड्यूस आएगा, यहां पर क्या होगा, प्लस इंड्यूस, यहां पर क्या होगा, माइनस इंड्यूस, यहां पर क्या होगा, प्लस इंड्यूस, ठीक ठीक। इस इंड्यूस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, याद करो ई इंड्यूस, और जो बाहर वाला फील्ड था, ध्यान दो, ई नॉट, बाहर का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लस चार्ज माइनस चार्ज के कारण आया है, यानी कि बिना डाइलेक्ट्रिक का, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद करो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
जब डायरेक्ट डाल दिए तो इसमें जो इनोट होगा वह इनोट यही होगा, उसको बोले एक्सटर्नल फील्ड। या यूं कहो कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में जिसका वैल्यू इनोट है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो यहां पर माइनस इंड्यूस होगा और यह प्लस इंड्यूस होगा, ठीक है ना। और नेट फील्ड कितना होगा, ई नेट जो होगा यह ई नॉट और प्लस ई इंड्यूस। ये भी बताए थे कि इंड्यूस का डायरेक्शन इधर होगा और ई नॉट इधर है, दोनों फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट है। और यह जो होता है ई नॉट बाई के, चलो यही लिख देते हैं, इधर लिख ही रहे हैं, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। समझ में आ गया, इसको इधर कर देंगे, ई इंड्यूस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, ई नॉट, ई नॉट कौन ले लेंगे, वन माइनस वन बाई के, कोई दिक्कत, इसको तो उतार लो, उतारो, चलो तो उतार लिए। अब ध्यान दो, इसको बिठा देते हैं, तो उतार लिए, फिर देखना, अब देखना बंद करो, फिर देखो, अभी आया है E इंड्यूस E नॉट वन माइनस वन बाई के, है ना, चलो तो इसको लिखेंगे सिग्मा, सॉरी इंड्यूस, और ये वैल्यू हो गया इतना। अच्छा ई नॉट कितना है, ई नॉट याद करो सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाई के, चार्ज बाय एरिया सिग्मा, चार्ज बाय एरिया सिग्मा, कोई दिक्कत, बोलो ना। अच्छा तो बताओ यह हो गया आपका सिग्मा इंड्यूस, ये सिग्मा इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया, यहां पर जो इंड्यूस होगा माइनस प्लस होगा ना, माइनस सिग्मा इंड्यूस प्लस सिग्मा इंड्यूस, ठीक है, बहुत थोड़ा हो जाएगा। क्यू इंड्यूस क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वन माइनस वन बाई के, ये कुछ फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, लिख लिए, चलो मिटा दे, ये हम पढ़ा चुके हैं, इनडायरेक्ट में डिपेंड करा है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे आगे, देखो पहली बात कि ये कैपेसिटर है, जान लो अगला पॉइंट, ये कैपेसिटर है, इसको किसी बैटरी जोड़ते हैं तो यहां पर प्लस चार्ज होता है, यहां पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है, तो स्वाभाविक है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फोर्स वैल्यू कितना है बोलो, तो पढ़ा होगा फोर्स वैल्यू क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन ए, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन ए, अरे पढ़ाए थे ना फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पीछे का, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन ए, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे को खींच लेगा, एक दूसरे को खींच लेगा और कैपेसिटर का प्लेट आपस में सट जाएगा, कैपेसिटर का प्लेट आपस में क्या होगा सट जाएगा, कैपेसिटर का प्लेट आपस में सट जाएगा, तो सट जाएगा तो एनर्जी स्टोर कहाँ होगा, एनर्जी स्टोर कहाँ होगा, यानी कि कैपेसिटर मेरा कोई काम का नहीं होगा। तो ये दोनों प्लेट आपस में नहीं सटे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं एकदम सटा करके, या यूं कहो कि डाइलेक्ट्रिक पर यहां पर मेटालिक लेप देते हैं ताकि इस पर चार्ज हो, यानी कि कैपेसिटर पढ़ने में कहते हैं कि बीच में खाली है लेकिन रियलिटी में खाली नहीं रहता है, बीच मीडियम होता है, उस मीडियम को डाइलेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया, फिर से यह दोनों प्लेट आपस में नहीं सटे इसीलिए हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक। तो यहां पर प्लस की आया था ध्यान दो, तो पहला यूज हो गया कि टू सेपरेट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पहला लिख लिया, लिख लो। दूसरा अब यहां लो कि इसके पीच जो होता है
फील्ड आया है अभी, थोड़ा देर पहले आया था, फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना आया था बोलो, ई नॉट बाय के आया है ना, ई नॉट बाय के, अच्छा ई नॉट बाय के आया था, वेरी गुड। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड हो गया था, तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट को क्यू बाय जान लो सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, इके देखो फील्ड आया कितना आ गया ई नॉट बाय के। फिर से एक बार फिर से, यह मेरा प्लेट है, यह मेरा प्लेट है, इसके बीच फील्ड कितना आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के अंदर हम डाल दिए डाइलेक्ट्रिक, पहले फील्ड कितना था बोलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले फील्ड कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब हम क्या कर ले डाइलेक्ट्रिक, तो यहां जो नेट फील्ड आया सिग्मा बाय सॉरी के बाय सॉरी ई नॉट बाय के, ध्यान देना बहुत बोलना पड़ रहा है, ई नॉट बाय के सारा आपस में मैच कर रहा है, ध्यान देना, बिना डाइलेक्ट्रिक का कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइनल डायरेक्ट डालने पर बिजली कितना आ गया E नॉट बाई के, यानी कि सिग्मा नॉट E, ठीक है। अच्छा सिग्मा नॉट पहले वाला है Q बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट के बोलो, अच्छा तो भी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो डायरेक्ट भर चुका है ना, यह डायइलेक्ट्रिक से प्लेट को भर चुके हैं, दोनों प्लेट न सटे इसलिए डाल के भर चुके हैं, ठीक है। यह कितना हो गया EP इंटू डी यानी Q बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट के डी, यानी कि यू कहो कि V प्लस माइनस V माइनस होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया K बाई डी इंटू क्यू, हेलो V प्लस माइनस V माइनस क्या बोल दिया मैं, Q बाई इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, गुणा करो मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट एरिया के बाई डी इंटू वी प्लस माइनस V माइनस, और इसी बोलते C इक्विवेलेंट V प्लस माइनस V माइनस, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक डालने पर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि KC, यही बताने की हम कोशिश कर रहे थे। तो पहला यूज हो गया कि दोनों से प्लेट को सेपरेट करता है ताकि दोनों आपस में नहीं सटे, उसके रखने से आपका कैपेसिटी बढ़ गया, यानी कि जब देखो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो सी कितना था एप्सिलॉन नॉट एबी प्रूफ किए थे, डायलेक्ट डालने पर क्या हो गया के एप्सिलॉन नॉट एबी यानी कि कैपेसिटी बढ़ गया, तो कैपेसिटर का काम क्या है एनर्जी को स्टोर करना, कैपेसिटर काम क्या है एनर्जी को स्टोर करना, कैपेसिटर काम क्या है एनर्जी को स्टोर करना, यानी कि अब ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, यानी कि अब ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, तो डायलेक्ट डालने से फायदा क्या हुआ एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि वह ज्यादा स्टोर को कर सकता है, ठीक, सपोर्ट भी किया एनर्जी बढ़ा दिया, ठीक। आगे लिखे ठीक, तो लिख लिए, देखो एक लिखो नोट, लिखो नोट नोट नोट, कैपेसिटर का काम क्या है लिखा मत, कैपेसिटर का काम क्या है एनर्जी को स्टोर करना, बैटरी का काम क्या है कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करना ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो, चार्ज रिड्यूस हो, बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं कि चार्ज रखा उसमें जा रहा है उसमें आ रहा है, ऐसा नहीं है, वह सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ये हर लेक्चर में बोलते हैं हम लोग, भाषा बोलते हैं कि बैटरी चार्ज गया, बैटरी चार्ज चलाया, बैटरी चार्ज सप्लाई किया, इसी बोलने की बात है, कोई आता होता नहीं है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, और कोई काम नहीं है, ठीक। चलो देखो एक याद रखना, लिखो नोट मेरे हाथ, जब तक
कोई कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं हो। देखो कोई कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर सॉरी बैटरी, इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी इन जुड़ा नहीं हो, यानी कि इन ऑब्सेंस ऑफ बैटरी, बैटरी के ऑब्सेंस में टोटल चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे किसी तरह का तुम कैपेसिटर में छेड़छाड़ कर दो। फिर से क्या लिखे, जब तक कोई कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा न हो तब तक, ध्यान दो, तब तक कैपेसिटर में किसी के छेड़छाड़ से चार्ज ऑन कैपेसिटर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तब तक चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कांस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हिंदी में लिखा दिए थोड़ा एंजॉय करने के लिए, यानी कि जब तक बैटरी जुड़ा हुआ नहीं हो मोटा मोटी ठेठ में, बिना बैटरी के चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी तरह का कैपेसिटर चेंज किया जाए। तो कहने का मतलब है कि बिना बैटरी के, बोलो बिना बैटरी के कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट होगा, चाहे कैपेसिटर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ का मतलब है कि बैटरी के कैपेसिटर के प्लेट को बढ़ाइए या घटाइए, बढ़ाइए या घटाइए, कैपेसिटर में स्लैब डालिए या निकालिए, अगर बैटरी नहीं आएगा, बैटरी नहीं होगा तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बाकी सब चेंज होगा नहीं होगा ये मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसको लिख लो, ठीक लिख लिया, नोट। अब कोई कैपेसिटर चार्ज है, ध्यान देना, कोई कैपेसिटर चार्ज है, सबसे इंपोर्टेंट अब चला है। मान लो कि कोई कैपेसिटर चार्ज है, ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, प्लस क्यू है माइनस क्यू, ठीक है, बैटरी नहीं है। मान लो कि चाहे ऐसे कहो किसी बैटरी जोड़ दिए, भी है बैटरी जोड़ दिए, ये सी है कैपेसिटी, तो क्यू बराबर कितना होगा, सी भी, ठीक। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड एंड ए स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड स्लोली। देखो मैंने एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी इज चार्ज विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल में भी, लिखो देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी इज चार्ज विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल भी। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एंड स्लैब ऑफ डायली कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड स्लोली। चलो, यानी कि ये जो कैपेसिटर है इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और कैपेसिटी कितना है, एप्सिलॉन ए बाई बी। ये हुआ स्लैब डालने के पहले, स्लैब डालने के पहले इसको लिख लिया होगा, लिख लिया, ठीक लिख लो, लिख लिया। चार्ज कितना बोलो, सी भी, इससे भी कोई मतलब, इसमें लिख लिया होगा,
इसे कोई मतलब नहीं, लिख लिया सब हटा, तुम लोग मत लिखना। ये मेरा चार्ज आया था q बराबर cv, ठीक, यानी कि प्लस q जो होगा और क्या होगा माइनस q, q बराबर cv, ठीक। इसके बीच फील्ड कितना आया था बोलो, कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी q बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी कितना, अच्छा कैपेसिटी कितना आया था एप्सिलॉन बाई डी, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या किए कि ये प्लस q तो था ही, माइनस q था ही, इसमें एक स्लैब डाल जा रहा है, ऐसे भी देखो ये प्लस चार्ज है, ध्यान दो क्या है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। जब तक यह बाहर है, जब तक बाहर है तब तक डायइलेक्ट्रिक पर कोई फोर्स नहीं है, जब तक बाहर है तब तक डायइलेक्ट्रिक पर, डायइलेक्ट्रिक के डाइपोल पर, चार्ज पर कोई फोर्स नहीं है, कोई इंडक्शन नहीं है। जब तक बाहर है कोई इंडक्शन नहीं है, जब तक बाहर है कोई इंडक्शन नहीं है, जब तक बाहर है कोई इंडक्शन नहीं है। जैसे ही अंदर थोड़ा सा इन किया, जैसे ही थोड़ा सा इन किया, इन जैसे ही करेगा यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे ही इन करेगा यहां पर क्या होगा माइनस होगा, यहां पर क्या होगा प्लस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, ठीक। तो जैसे ही करेगा यह इसको माइनस होगा प्लस होगा, यह खींचेगा खींचेगा, यह भी खींचेगा खींचेगा खींचेगा, यानी चाहेगा कि स्लैब को तुरंत खींच ले, स्लैब को तुरंत खींच ले। लेकिन तुरंत इसलिए नहीं खींचेगा कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा था, जैसे कि हम हाथ से डाले स्लैब को, जैसे ही डालेंगे ना सर खींचेगा आराम से, पकड़ जोर से टाइट करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस क्या होगा स्लो, यानी खींचना चाहेगा फिर से, जब तक बाहर है तब तक कोई इंडक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं, आराम से रखा हुआ है, जैसे ही थोड़ा खींचे घुसा इंडक्शन स्टार्ट, खींचेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो नहीं आते इसे, इसलिए बाहर जोर से पकड़ता है और धीरे जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इसको दिए डालता है, यानी नीचे आता है लेकिन स्लोली आता है, क्या आता है स्लोली, और स्लोली मतलब क्या होता है विदाउट चेंजिंग काइनेटिक, बड़ी प्यार से डालता है, ठीक। चलो अब ये स्लैब डला गया, स्लैब डला गया, स्लैब डला गया, स्लैब डला गया, चलो तो बताओ शुरू में कितना चार्ज था, यहां पर कितना था बोलो, पहले बताओ शुरू में क्या कैपेसिटी था बोलो, सी आई एप्सिलॉन डिवाइड डी, शुरू में कितना था बोलो एप्सिलॉन डिवाइड डी, अब कितना हो गया शुरू में, यहां शुरू वाला बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे लास्ट का, सी एफ क्या हो गया के एप्सिलॉन डिवाइड डी, थोड़े पहले प्रूव किए थे। अच्छा बताओ चार्ज शुरू में कितना था, सी वी यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी, चार्ज बाद में, अब हाँ चार्ज कितना रहेगा बाद में, चार्ज बाद में के बोलो, चार्ज बाद में, चार्ज तो कॉन्स्टेंट रहेगा, कैपेसिटी बढ़ गया लेकिन चार्ज बाद में क्या रहेगा क्यू आई बोलो क्यू, अभी मत करना कि नया वाला नहीं, चार्ज हमेशा कांस्टेंट, जब तक बैटरी नहीं हो चार्ज हमेशा क्या हो कांस्टेंट, हम लोग डाल रहे हैं बिना बैटरी का, क्या डाल रहे हैं बिना बैटरी का, तो चार्ज हमेशा इनिशियल के बराबर होगा, तो ठीक है भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे भी बराबर क्यू बराबर सी भी लिखते हैं ना वो, तो लिखे भी कितना होगा क्यू बाई सी, नहीं समझा फिर से, चार्ज जितना शुरू में था उतना ही बाद में भी है, चार्ज जितना शुरू में उतना बाद में, अब चार्ज कितना हो, जितना शुरू में था पहले क्या पोटेंशियल था क्यू बाई सी, तो अब क्या पोटेंशियल हो गया
क्यू बाई वी आई का दो सी, तो वी आई कितना हो जाएगा अब का पोटेंशियल क्यू जो क्यों बाई पोटेंशियल कैप्सिकम का के सी, यानी कि पोटेंशियल मेरा घट गया, चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपेसिटी बढ़ गया, पहले की तुलना बढ़ गया के टाइम्स, ठीक, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, बैटरी तो है नहीं, पोटेंशियल क्या घट गया, पोटेंशियल घट गया, तो स्लैब के डालने से पोटेंशियल घट जाता है, ठीक ठीक, ये क्या रहेगा, और ध्यान दो, एक एक टाइप देखो, कैपेसिटर डालने से कैपेसिटी सॉरी स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ गया, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा और क्या होते हैं पोटेंशियल घट गया। देखो और शुरू में क्या एनर्जी था, शुरू में एनर्जी था अरे होता है ना हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तुम्हारे मन में आता होगा कि कभी कहते हैं हाफ सी वी स्क्वायर कभी क्यू स्क्वायर टू सी दोनों बराबर है, यहां दोनों में चार्ज बराबर है स्लैब रखने से पहले और स्लैब रखने के बाद, इसी लिखे क्यू स्क्वायर टू सी, बाद कितना हो जाएगा बोलो क्यू स्क्वायर बाय टू सी टू नया के सी, तो एनर्जी घट गया, घट गया एनर्जी, घट गया एनर्जी, घट गया तो एनर्जी घट गया, तो एनर्जी गया कम, शुरू में एनर्जी कितना था क्यू स्क्वायर बाय टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं किए हैं, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर नहीं किए इसलिए कि यह भी वेरिएबल है ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो जब दोनों वेरिएबल हो तो तुलना कैसे करेंगे, ठीक, इसीलिए हम क्या किसको हटा दिए इस फॉर्मूला को यूज किए, क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, एनर्जी शुरू कितना था क्यू स्क्वायर टू सी, स्लैब डालने के बाद कितना हो गया क्यू स्क्वायर टू के सी, एनर्जी घट गया बढ़ गया, एनर्जी घट गया कि बढ़ गया, एनर्जी घट गया, गया था, तो होता क्या है बैटरी तो है नहीं, बैटरी तो है नहीं, तो यह जो अपने खींच रहा था, अपने खींच रहा था उसको एक्सटर्नल फोर्स धीरे धीरे ला रहा था, धीरे धीरे ला रहा था, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के स्पीड को कम कर रहा था, नहीं समझा, अगर इसको छोड़ दा ना सीधे चिपक जाता, अगर स्लैब को डाल के छोड़ देता स्लैब सीधे नीचे निकल जाएगा, नीचे नहीं निकले इसलिए धीरे 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 इसको डाला गया, तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क किया उसी में एनर्जी चला गया, यानी कह सकते हैं जब एनर्जी घट गया तो गया कहां, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना देगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय टू के सी माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी कौन लेंगे वन बाय के माइनस वन, ठीक है निगेटिव आएगा, या इसे कहो कि यह आ रहा है नीचे अब फोर्स ऊपर, वर्क ऑफ एनर्जी आ रहा है नीचे मोशन नीचे अब फोर्स ऊपर कितना एंगल 180 डिग्री, तो वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, या ऐसे कहो शुरू का एनर्जी अब प्लस मेरा वर्क याद आया बात का एनर्जी, तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल है, एनर्जी घट गया तो एनर्जी कहां गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिएजेंट स्लैब को डालने में, क्वेश्चन पूछेगा शुरू में क्या एनर्जी था बाद में क्या एनर्जी होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यही होगा ठीक, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लिखो सब लिख लो, लिख लिए चलो फिर देखो युवा बिना बैठे का अभी और देखो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पहले देखो ध्यान दो यहां प्लस क्यू था माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो फोर्स का वैल्यू आया था कितना आया था क्या था इसके कारण फील्ड, यही कहो कि क्यू स्क्वायर बाई टू एफ नोट ए, ठीक, या यू कहो कि इसके कारण यह फील्ड
इसके कारण या फील्ड अगुने चार्ज यानी या कह सकते क्यू गुने इसको नाम दो ए बी फील्ड एट ए ड्यू टू बी ठीक आया था। जो हम इसको लिख लिया जो हम स्लैब डाल देंगे क्या करेंगे जब हम स्लैब डाल देंगे ध्यान देना थोड़ा लपेटा टॉपिक तो है ही पढ़ना पड़ेगा। जब स्लैब डाल देंगे ध्यान दो तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होगा क्या होगा चार्ज इंड्यूस होगा तो माइनस इंड्यूस या प्लस इंड्यूस ठीक नाम दे दो यह था ए या बी या प्लेट का साइड सी या डी तो अब जो फोर्स होगा फोर्स एट ए क्या होगा देखो फील्ड एट ए ड्यू टू सी फील्ड एट ए ड्यू टू डी फील्ड एट ए ड्यू टू बी इंटू चार्ज पता नहीं समझा फोर्स होता है ई इंटू क्यू फोर्स क्या होता है ई इंटू क्यू फोर्स क्या होता है ई इंटू क्यू जान लो तो चार्ज अपने फील्ड यहां पर ए पर फोर्स निकालना है ए पर फोर्स बराबर सी के कारण फील्ड ए पर जो डी के कारण फील्ड ए पर जो बी के कारण फील्ड ए पर ध्यान दो यह माइनस चार्ज है यह प्लस प्लस है यहां पर क्या है प्लस है यहां पर क्या है माइनस है तो इन दोनों के कारण फील्ड एक रिपल्सन अट्रैक्शन तो इन दोनों के कारण फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि यह दोनों जो है अपोजिट में है या तो ये दोनों क्या है अपोजिट में तो इस दोनों के कारण फील्ड क्या हो जाएगा जीरो प्लस फील्ड एट ए ड्यू टू बी इनटू क्यू फाइनली फील्ड एट ए ड्यू टू बी मोटा मोटी ठेठ भी याद रखना स्लैब के डालने से फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो लिख देना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायलिट स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लिख लेना लिख लिया आज के लेक्चर को दो बार पढ़ना तब समझ में आएगा ठीक है तो हम लोग एनर्जी देख लिए कैपेसिटी देख लिए बैटरी तो है नहीं पोटेंशियल घट गया चार्ज कांस्टेंट है फील्ड मेरा घट गया सब बता चुके एनर्जी घट गया और तो कुछ बचा नहीं फोर्स हो गया एनर्जी सब कुछ बिटा दे ठीक टाइम कितना हुआ टाइम बताइए 33 अभी लगभग 10 मिनट बचा हुआ है पढ़ो भागना नहीं 10 मिनट बचा हुआ है 45 मिनट के पास चल तो हम क्या पढ़े हैं कि जब तक बैटरी नहीं हो चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट ठीक चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट यानी बिना बैटरी का अगर स्लैब डालेंगे या निकालेंगे तो चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी सब इफेक्टेड होगा जो बता दिए चलो सब मूड फ्रेश कर लो एक गिलास पानी पियो पियो पानी पी लिया चलो अब लिखो नोट बैटरी के प्रेजेंस में लिखो इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा बाकी सब चेंज होगा ठीक चूंकि
भी रहेगा, बैठे रहेगा, तो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बाकी सब चेंज होगा। सॉरी, छीटा नहीं ले पड़ा ऑनलाइन। अब है क्या कि ये मेरा कैप्चर है, ध्यान दो। अब आसान है, तुरंत समझ जाएगा रिजल्ट, लेकिन अलग अलग है, ध्यान रखना। ये आपका बैटरी है, क्या बैटरी है, भी बिना स्लैब के, बिना डाइलेक्ट्रिक के, इसमें प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक। चलो तुलना करेंगे रिजल्ट। चलो एक ज्यादा करना होगा। अब स्लैब डाल दिए, ध्यान दो, लॉजिक सेम है, प्लस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, जोड़ दिए, लॉजिक सेम। यहां पर जब तक बाहर रहेगा, जब तक स्लैब क्या होगा, बाहर रहेगा, इस पर कोई इंडक्शन नहीं होगा। जब तक बाहर रहेगा कोई इंडक्शन नहीं होगा, लिखना बंद करो, सुन कहानी। जब तक बाहर रहेगा कोई इंडक्शन नहीं होगा, जब तक बाहर रहेगा कोई इंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंदर आ गया, जैसे ही थोड़ा अंदर आ गया, इस पर माइनस हो जाएगा या प्लस होगा, खींचेगा जोर से, खींच दिया दम लगाकर, तो नीचे स्पीड आ जाएगा। स्पीड नहीं है इसलिए बाहर वाला इसको पकड़ लेता है, एक्सटर्नल फोर्स या एफ एक्सटर्नल पकड़ता जोर से और धीरे धीरे छोड़ता है, यानी यह आता तो नीचे है लेकिन स्लोली आता है। फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कार नीचे आएगा तो नीचे स्पीड बढ़ जाएगा, नीचे निकल जाएगा, इसलिए बाहर से कोई पकड़ जाता है, बाहर से कोई पकड़ जाता है और धीरे धीरे छोड़ता है, मोशन एकदम स्लो 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 प्रोसेस में छोड़ता है, ठीक है। चलो इस तरह से मेरा कैप्चर अंदर आ गया, प्लस था, सॉरी स्लैब अंदर आ गया, स्लैब अंदर आ गया, कैप्चर था, ठीक। बैटरी है, बैटरी है, ध्यान देना, बैटरी है, बैटरी है, ठीक। ये लॉजिक समझ में आ गया, जब तक बाहर था कोई इंडक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, जैसे ही अंदर आएगा सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आगे अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, तुम लोग लिख लेना, मिटा दिया। अब चलो स्लैब डालने के बाद, स्लैब डालने के पहले देखो शुरू में क्या कैपेसिटी था, बोलो कैपेसिटी क्या थी, कैपेसिटी क्या थी, बोलो एप्सिलॉन बाय डी, सी आई, सी एफ कितना हो गया, बोलो के एप्सिलॉन बाय डी, कैपेसिटी बढ़ेगा क्या, बढ़ गया, इंक्रीज करेगा ना, फाइनल जो कैपेसिटी है पहले से इंक्रीज कर गया, के टाइम्स, या यू को केसी कह सकता है, ठीक। चार्ज, हाँ पहले भी देखो, भी तो बैटरी है इसलिए जितना भी पहले था उतना ही भी क्या होगा, बाद में होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। पटाओ क्यों लिखे, भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, चेंज क्या हो गया, जीरो, कैपेसिटी आपका बढ़ गया लेकिन भी जगत हुए। चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल सी भी, तो क्यू आई हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू भी। क्यू एफ क्या होता है, बोलो सी भी, अब केसी ना हो जाएगा इंटू भी, या यू कहो कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू भी, बोलो बोलो ना, ठीक। और चार्ज बढ़े घट गया, चार्ज बढ़ गया, वहां पर चार्ज क्या था, कॉन्स्टेंट, ऐसे तुलना नहीं कर रहे, यहाँ चार्ज बढ़ गया, जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो उसकी नहीं पढ़ाएंगे, और उसकी पढ़ाई करेंगे इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, दोनों को आपस में घोल मिल मत करेंगे, ठीक। चार्ज बढ़े घट गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज आया कहां से, तो यही बैटरी चार्ज सप्लाई कर दिया, यानी कि चार्ज
सप्लाइड बाई बैटरी, एक जगह सब कुछ आ जाए, सारा ऑब्जेक्टिव एक ही जगह समझ आ जाए। चार्ज सप्लाई बैटरी कितना होगा, डेल की क्यू एफ माइनस क्यू वाई, समझाना क्या है इसमें, यानी कि घटाओ इसमें से के एफ नॉट ए बाई डी वी माइनस एफ नॉट ए बाई डी डी, सिंपल सी बात है, के माइनस वन सी, कोई दिक्कत नहीं है, एफ से नॉट ए बाई डी को मिल रही है उसको सी बोल दिए, ठीक। तो ये होगा चार्ज बाई बैटरी, चार्ज सप्लाई बाई बैटरी, ठीक। बताओ इसमें अगर चार्ज जाएगा तो थर्मल हीट होगा, नहीं होगा, बोलो क्यों। थर्मल हीट इसलिए नहीं होगा कि प्रोसेस स्लो है, क्योंकि प्रोसेस क्या है बोलो, स्लो है। हमने स्लैब को डालने से ना आपको करंट आएगा, चार्ज बढ़ेगा, अगर स्लैब नहीं डालते तो चार्ज बढ़ता नहीं, बढ़ता यानी कि स्लैब को डालने से चार्ज बढ़ा है, और चार्ज बढ़ने या घटने में जो रेट होगा उसको करंट कहते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है स्लो, यानी चार्ज बढ़ा है लेकिन बढ़ने इतना स्लो बढ़ा है करंट हम लोग क्या मानेंगे, जीरो, यानी कि प्रोसेस स्लो है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट, सब लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर जीरो, इसलिए थर्मल हीट क्या हो जाएगा, थर्मल हीट जीरो, एक ऑब्जेक्टिव बन गया, थर्मल हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोसेस क्या है स्लो है, धीरे धीरे डाले, इसे उतारो, उतार लिया, चलो देखो शुरू का एनर्जी, एनर्जी कितना था, एनर्जी शुरू का बोलो, तो यहां देखो हाफ से भी स्क्वायर, बाद कितना हो जाएगा हाफ, बाद का सी कितना है, के सी है, अब समझ गया, हाफ के सी बी स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट है, तो कितना एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा ठीक है, फिर से शुरू में कितना एनर्जी था, शुरू में कितना एनर्जी था, मुंह दुखा रहे बोलो, शुरू में कितना एनर्जी, हाफ सी बी स्क्वायर, अब कितना है, हाफ के सी बी स्क्वायर, एनर्जी बढ़ेगा घटा, बढ़ गया कितना बोलो, तो एनर्जी बढ़ा इसमें क्या भाई, हाँ बढ़ा ईवीएफ माइनस ई वाई, अरे हाफ के माइनस वन सी बी स्क्वायर, ठीक। तो बताओ कि यहां पर बैटरी जो वर्क किया वह वर्क कहां चला गया, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ा, अब जो बचा वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कहेगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे जितना वर्क डन बाय बैटरी है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल यू, ये कितना है, वर्क डन बाय बैटरी आया है ना, लिख लो, ये हो गया चार्ज सप्लाई बैटरी इंटू भी डेली, इसको तुम लिख लो, इसको मिटा दे जगह नहीं, हाँ तो डेल क्यू कितना है, डेल क्यू यही है, डेल क्यू यही, डेल क्यू कितना है, के माइनस वन सी बी, अब माइनस डेल यू कितना है, डेल यू हाफ के माइनस वन सी बी स्क्वायर, यानी हो गया के हाफ के माइनस वन सी बी स्क्वायर। ध्यान रखो क्वेश्चन क्या क्या हुआ, चार्ज कितना सप्लाई हुआ, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, कैपेसिटर में कितना एनर्जी बढ़ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, आज खाली क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है, लिखो बस दो मिनट ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना, स्लैब डाल दिए हैं बोलो, तो स्लैब डाल दिए हैं लेकिन भी है, पहले भी नहीं था अब भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा,
और अगर क्या कर लो फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के, ई नॉट क्या लिखता है सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक सिग्मा नॉट क्या होगा क्यू नॉट बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू नॉट क्या हो लो बहुत लंबा हो गया सी, तो स्लैब डालने पर सी कितना हो जाए के सी आई इंटू वी बाई के छूट गया ए ए के एरिया के कट जाएगा। अरे मोटा मोटी क्या होता है आपका फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले फील्ड घट गया था लेकिन जैसे ही बैटरी लगा देंगे फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लेक्चर को दो बार तीन बार पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लंबा हो गया, तो अगर नहीं समझ जाएगा तो बोलना, ठीक है बाय।